हेलो, माई सेल्फ आर बी मिश्रा। माई यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स ट्रिक। यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है जो हमारे वीक एंड की क्लास होती है। इस वीक एंड क्लास में हमारा क्या जो प्लान है कि मैं मंडे टू फ्राइडे जितनी मैं थ्योरी कराता हूँ वही हमें सैटरडे और संडे में उससे उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करना है। और जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर कलेक्ट कर रहा हूँ या तो CBSE के बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा या फिर नीट का इम्पॉर्टेंट होगा, JEE से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट होगा, SC वर्मा के बुक से जो मुझे अच्छा क्वेश्चन लगेगा वो कलेक्ट करके एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने एक क्वेश्चन हर टॉपिक से रिलेटेड हमने रियल और अपेरेंट डेप्थ से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया। अब इस क्वेश्चन को आप रीड करिए तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड 210 mm कंटेन ए स्मॉल एयर बबल। मतलब जो ट्रांसपेरेंट क्यूब है उसके अंदर एक एयर बबल है और उसके साइड गिवन है ट्रांसपेरेंट क्यूब का 210 mm। इट्स अपेरेंट डिस्टेंस व्हेन व्यू फ्रॉम वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज 100 mm। एक फेस से हम देख रहे हैं तो वो बबल हमें 100 mm पर दिख रहा है। अगर हम दूसरी फेस से देखते हैं तो वही हमें 40 mm पर दिखता है। हमें क्या कैलकुलेट करना, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम द सेकेंड फेस एंड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द क्यूब। यहाँ से मटेरियल को आइडेंटिफाई कर लेंगे। सबसे पहले हमने एक क्यूब लिया, एक ट्रांसपेरेंट क्यूब ले रहे हैं जिसके साइड हमें गिवन है 210 mm। एक बबल हमने एयर बबल हमने यहाँ लिया बी, एयर बबल जिसको हम एक फेस, ये फेस वन है और ये हमारा फेस टू है। अगर फेस वन से हम देखते हैं तो इस बबल के इमेज वाइबल ये हमें 100 mm पर दिखते हैं। अगर इसी बबल को दूसरे फेस से देखते हैं तो उसकी इमेज 40 mm पर हमें दिखता है। मीन्स जो हमें इमेज दिख रहा है दिस इज द अपेरेंट पोजीशन। ये इमेज इस फेस से अपेरेंट पोजीशन है, इसी बबल का इस फेस से दिख रहे तो दिस इज द अपेरेंट पोजीशन। तो हमें क्या बताना है कि बबल का एक्चुअल पोजीशन सेकंड फेस से। तो हमने एज्यूम कर लिया इसकी एक्चुअल पोजीशन सेकंड फेस से एक्स। टोटल हमें 210 mm है तो एक फेस से अगर एक्स होगा तो दूसरी फेस से इसकी पोजीशन क्या होगा, दूसरी फेस से इसकी पोजीशन होगा 210 - x। अब हमने एक रिलेशन बताया था रियल डेप्थ अपॉन apparent depth and this is called refractive index। अगर first face से हम देखें तो real depth is 210 - x, इसके लिए apparent depth है 100 mm। अगर हम second face से देखें तो real depth is x, apparent depth is 40। अगर हम इसे 0 से 0 cancel, 2 जा 4, 2 5 जा 10। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो 5x दिस इज इक्वल टू 420 - 2x, 7x इज 420 मीन्स x दिस इज इक्वल टू 60 mm। मीन्स दिस सेकेंड फेस से जो बबल है उसकी एक्चुअल पोजीशन है वो 60 mm पर है, दिस इज द रियल डेप्थ। और इस फेस से अपेरेंट पोजीशन कितना है 40, तो n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन apparent depth, this is equal to 3/2 is 1.5। तो एक तो हमने जो बबल का एक्चुअल पोजिशन फर्स्ट फेस से ले लिया और उससे हमने अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। 1.5 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मीन्स दिस ट्रांसपेरेंट क्यूब इज ए ग्लास हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाएं। हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये भी रियल और अपेरेंट डेप्थ से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन को मैंने SC वर्मा जी की बुक से लिया। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए प्लेन मिरर इज फिक्स्ड एट ए हाइट ऑफ x अबव द बॉटम ऑफ ए बीकर कंटेनिंग वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू अप टू ए डेप्थ d।
एक बीकर है जिसमें डी डेप्थ तक वाटर है और एक मिरर, प्लेन मिरर को इसके बॉटम से एच हाइट पर फिक्स किया गया है और इसमें जो वाटर फिल्ड है वो डी डेप्थ के लिए फिल्ड है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द बॉटम फॉर्म बाय द मिरर। ये जो बॉटम है इसका इमेज मिरर से कितने डिस्टेंस पर दिखेगा। ऐसे भी मैंने बताया था कि जो ऑब्जर्वर रेरर में हो और कोई ऑब्जेक्ट डेंसर में हो तो हमेशा ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाती है इमेज। तो हमें अगर अभी हम मिरर को भूल जाए तो दिस इज द रियल डेप्थ। वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी है, तो ये बॉटम है या रियल डेप्थ है और इसका, इस बॉटम का इमेज यहां कहीं फॉर्म होगा एंड दिस डेप्थ, दिस इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल डेप्थ इज डी, apparent depth is y is equal to mu refractive index, तो y apparent depth होगा d by mu। तो एक्चुअली जो बॉटम है यहां से हम जब देख रहे हैं, अगर यहां से टॉप से देखेंगे तो ये जो बॉटम यहां दिख रहा है मतलब कितने से शिफ्ट हुई, शिफ्ट इसी को हम बोलते हैं। तो शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट, शिफ्ट, तो रियल डेप्थ इज डी, एपरेंट डेप्थ इज वाई, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट, डी माइनस ऑफ वाई इज डी पर यू, डी कॉमन वन माइनस ऑफ वन अपॉन यू। मीन्स ये जो बॉटम है ये हमें यहां दिख रहा है तो मिरर से कितने डिस्टेंस पर ये दिखेगा, द इमेज of the bottom is seen to a distance from the mirror, this is equal to h minus of shift, h माइनस शिफ्ट कितने हैं तो डी वन माइनस ऑफ वन अपॉन यू, दिस इज इक्वल टू एच माइनस ऑफ डी प्लस ऑफ डी अपॉन यू। सबको समझ में आ गया। तो मिरर से इस बीकर के बॉटम कितनी डिस्टेंस पर इसका इमेज फॉर्म होगा, एक्चुअल यहां इमेज यहां बन रही है तो इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर बनी यह वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम लेंगे रियल और एपरेंट डेप्थ से। हेलो बच्चों, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमने लिया है रियल और एपरेंट डेप्थ से, ये एस सी वर्मा जी के बुक से रिलेटेड है। ये एस सी वर्मा की बुक में ये क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए तो हमें क्या कि मैंने एक कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कि मैंने ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, लाई ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, दिस इज द टेबल, ये हमारा टेबल है और इसके ऊपर एक कॉनकेव मिरर है और जिसके अंदर वाटर फिल्ड है कितनी हाइट तक, 5 सेंटीमीटर तक। ये जो हाइट है दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए स्मॉल डस्ट पार्टिकल फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस एट ए पॉइंट पी, इसके वाटर सरफेस पर एक पार्टिकल है डस्ट पार्टिकल अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से 5 सेंटीमीटर पर ऑफ द मिरर विद द टेबल, लोकेट द इमेज ऑफ द डस्ट पार्टिकल एज सीन फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस। अगर हम यहां से देखेंगे तो डस्ट पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर हमें दिख रहा है,
अब यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से देखिए, मतलब अप टू यहां से और यहां से बात देखिए, क्योंकि यहां से यहां तक मीडियम सेम है। सबसे पहले हम इसको पोल कंसीडर। देखो यहां पर दो चीज हो गई, एक तो हमारा मिरर हो गया और दूसरा हमारा वाटर है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस मीडियम चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से एक लाइट, यहां हमने इंसिडेंट कराया और यहां भी हमने इंसिडेंट कराया। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल, लाइट यहां जाएगी, सेम यहां इंसिडेंट कराए, रिफ्लेक्ट होकर लाइट यहां। अगर हम इन दोनों को बैक शिफ्ट कराते हैं तो हमें यहां इमेज दिखेगा इस पार्टिकल का। अगर इसके अंदर वाटर नहीं होता तो इसका इमेज यहां था, लेकिन इस सरफेस पर जैसे अब हमें रिफ्रैक्शन, पहले हमने रिफ्लेक्शन लिया, अब रिफ्रैक्शन हो रही, अब रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मींस अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल। ये भी लाइट यहां नॉर्मल ड्रॉ करें तो अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल। अब इसको अगर हम बैक शिफ्ट करा कर लाते हैं, ये शिफ्ट करा कर यहां से लेकर है, तो अब जो फाइनल इमेज है ये यहां बनेगी। तो यहां दो सिचुएशन हो गई, एक मिरर का भी केस आ गया, एक रिफ्रैक्शन भी आ गई। हमने इसे पॉइंट पोल ले रहे हैं, यहां ऑब्जेक्ट है। अगर हम एक क्वाड्रेंट सिस्टम से रखें देखें तो लेफ्ट साइड में डस्ट पार्टिकल है, कितने डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर पर। तो U की वैल्यू हमने ले लिया माइनस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 गिवन है, मींस फोकल लेंथ होगा R by 2, मींस 40, और यहां से हम देख रहे हैं तो नेगेटिव होगा, कॉनकेव है, माइनस 40 by 2 माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ मिरर फॉर्मूला यूज कर ले तो 1/v प्लस ऑफ 1/u दिस इज इक्वल टू 1/u, मींस 1/v होगा 1/f माइनस ऑफ 1/u, f हमें गिवन है माइनस ऑफ 20 और u की वैल्यू गिवन है माइनस ऑफ 5, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/20 प्लस ऑफ 1/5। एलसीएम ले लिया 20 माइनस 1 प्लस 5/4 = 20, तो ये v की वैल्यू 20/3, 20/3 मीन्स 6.67 सेंटीमीटर। कहां से, यहां से ये डिस्टेंस आ गई। अगर यहां से हमने डिस्टेंस लिख लिया 6.7 सेंटीमीटर, अब हमें ये देखना है कि लाइक अगर हम ये देखें तो हमने ये एज्यूम कर लिया ये जो पार्टिकल है इसकी इमेज यहां बन रही है, तो यहां से कितने डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस हो गई 6.67 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 5। तो पी पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ I1 इमेज फ्रॉम P this is equal to 5 plus 6.7, 6.7 means this is equal to 11.66 centimeter। अब हमें क्या है, ये हमारा रियल डेप्थ हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, हम अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, रियल डेप्थ अपॉन apparent depth इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें यह देखना है कि एक्चुअली जब हमने मिरर लिया तो इमेज हमारा 6.767 सेंटीमीटर पर यहां से बन रही इमेज, तो ऑब्जेक्ट से जो डस्ट है वहां से इसकी डिस्टेंस आ गई 11.67, लेकिन जो ड्यू टू रिफ्रैक्शन फाइनली इमेज तो यहां शिफ्ट हो गई। तो अगर हम अपेरेंट शिफ्ट यहां से कैलकुलेट करें शिफ्ट, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा रियल डेप्थ अपेरेंट शिफ्ट जो हमें कैलकुलेट करना है,
तो डी डेप्थ लाइक डी वन माइनस ऑफ वन अपॉन यू, अब टोटल डी कितना हो गया 11.67 वन माइनस वन अपॉन 1.33। दिस इज द एक्चुअल शिफ्टिंग हो गई, कितने से शिफ्ट करेगा, तो ये शिफ्ट होगा अराउंड 2.8 सेंटीमीटर, इतने से शिफ्ट हो गया 2.8 सेंटीमीटर। तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितना होगा इमेज की, इसको हमने y से डिनोट करते हैं, तो y इज इक्वल टू टोटल यहां तक डिस्टेंस है 11.67 और ये शिफ्ट हो गई 2.8, तो P पॉइंट से I2 की पोजीशन एज 11.67 माइनस अब 2.8 सेंटीमीटर, 2.80 अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम पॉइंट P। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बच्चों, दिस क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज। ये न्यूमेरिकल है, हमारा क्रिटिकल एंगल एंड टी आई आर से एक प्रिज्म गिवन है, इस पर लाइट पी क्यू नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है दिस फेस पर, ए बी फेस पर, रे पी क्यू इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ द प्रिज्म बी एस सी मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5, या म्यू से हम डिनोट कर रहे हैं या एन से डिनोट कर रहे हैं। कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म फ्रॉम विच फेस विल द रे इमर्ज एंड एट वॉट एंगल। अब हमें देखना है कि अगर लाइट यहाँ से नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे तो ये अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा, ये स्ट्रेट मूव करेगी, यहाँ से स्ट्रेट मूव कर रहे। अगर दिस एंगल 30 है तो ये एंगल तो 60 होगी, अगर यहाँ से नॉर्मली मीन्स ये 90 डिग्री, ये 30 है मीन्स दिस एंगल इज 60। अगर हम यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब दिस एंगल इज 30 डिग्री, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 30 डिग्री है। हमें ये बताना है कि सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि टी आई आर हो रही है नहीं, तो टी आई आर के लिए कंडीशन क्या है, साइन सी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन टी आई आर इज एप्लीकेबल। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमें गिवन है 30, प्रिज्म है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, इससे अगर हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर लें तो यहां से हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करेंगे तो सी की वैल्यू अराउंड ग्लास के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं 42 डिग्री होती है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल, इसका मतलब टी आई आर नहीं होगा, तो लाइट यहां से इमर्ज आउट होगा, तो इमर्ज होगा डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल, यहां कहीं जाएंगे। तो हमें क्या है, इसकी एक तो पाथ ट्रेस करनी है और हमें कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म फ्रॉम विच द फेस द रे इमर्ज एंड व्हाट एंगल, मीन्स ये हमें आर की वैल्यू बतानी है। अगर हम इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो डेंसर टू रेयरर है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन वन बाई या म्यू वन बाई म्यू टू, म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर मीडियम का, म्यू टू डेंसर के लिए, लाइक साइन आर इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन आई, 1.5 साइन ऑफ 30 मीन्स 1.5 साइन 30 इज 1/2 दिस इज इक्वल टू 0.75। नॉर्मली अगर हम साइन 30 डिग्री 1/2 0.5 होता है,
साइन 45 डिग्री 1 बाई रूट 2 इज 0.7 मीन्स 0.45 डिग्री पर 0.7 0.75 मीन्स 30 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो अप्रॉक्सीमेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अराउंड 48 डिग्री हो एंड दिस इज द पाथ ट्रेस्ड। नेक्स्ट और एक न्यूमेरिकल हम लेंगे जो क्रिटिकल एंगल एंड टी। बच्चों क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमें क्या इस क्वेश्चन में गिवन है, वन फेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5 एंड द एंगल 75 डिग्री। वन फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस एंड एंगल इज 75 मींस प्रिज्म एंगल इज 75 हमें गिवन। इट्स कवर्ड विथ ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस वन साइड से वन फेस है कवर्ड जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का हमें गिवन है लाइक दिस इज इक्वल टू 3√2/4। What should be the angle of incidence of liquid? What should be the angle of incidence of light on the clear face? This is the clear face of the prism for which light is just totally reflected at the liquid covered surface face. Just total internal reflection. जस्ट का मतलब दिस इज द क्रिटिकल एंगल। यहां से हमने एक लाइट इंसिडेंट कराया, यहां हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन। एक्चुअल इसकी पाथ ये है लेकिन रेयर टू डेंस है टू वॉर्ड्स द नॉर्मल यहां आ गया। अब यहां से ये जस्ट टेंजेंट हो जाएगा तो यहां एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया। अगर हम देखें ये I1 है तो दिस एंगल इज R1 तो दिस एंगल ये हमारा 90 डिग्री है तो ये एंगल हमारा होगा R2। हमें कैलकुलेट इस I1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसको हम I2 अगर लेते हैं तो यही 90 ये हमारा R2 होगा और R2 होगा तो ये हमारा I2 होगा और ये जब रे रिफ्रैक्टेड है 90 होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल। तो यहां पर अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो ये डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मींस 3/2 कंपैरेटिवली लिक्विड जो है वो रेयरर है। तो अगर इस पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो लाइक साइन आई टू अपॉन साइन सी साइन आर टू इज इक्वल टू एन लिक्विड इसके अपोजिट मीडियम द लिक्विड इसके अपोजिट द ग्लास एन लिक्विड इज 3√2/4 ग्लास है तो 3/2 दिस इज इक्वल टू 3√2/4 इंटू 2/3 2 × 2 = 4 1/√2। जब I की वैल्यू C के इक्वल I2 C के इक्वल कब होगा, जब R2 की वैल्यू 90 तो साइन 90 इज 1 तो साइन C इज 1/√2 मीन्स C की वैल्यू आएगी 45 डिग्री जो हमें I2 के इक्वल है। ये 45 ये नॉर्मल है 90 और ये 45 तो दिस एंगल इज 45। अगर दिस एंगल 45 है ये 75 है तो दिस एंगल कितना होगा 70 + 40 = 110 और 5 × 5 = 10 = 120 ये 120 मीन्स ये 60 होगा। अगर ये 60 है तो यहां ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया तो ये होगा 30। ये हमें 30 नोन है, हमें आई वन कैलकुलेट करना है। अब इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ तो यहां एयर है यहां ग्लास है साइन आई वन अपॉन साइन आर वन इज इक्वल टू दिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन दिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये आ जाएगा एन ग्लास
मीन्स 3/2। R1 की वैल्यू हमें नोन है, सॉरी R1 की वैल्यू हमें नोन है 30, तो साइन I1 अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 3/2। मीन्स साइन ऑफ I1 3/2 साइन 30, साइन 30 इज 1/2 मीन्स 3/4, 3/4 मीन्स 0.75, और 0.7 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 45 से जस्ट बड़ी मीन्स I1 की वैल्यू अराउंड 48 डिग्री हो। बच्चों इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा।